पिते च मधुरम मधुरम स्वरूपम कर्मा पिते च मधुरम मधुरा स्मृतिश्च बुद्धिं प्रबोधय प्रभो मधुबोधशक्तिं विद्यां प्रयच्छ परमां परिभावयामि नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते शिवाय नमः शिवलिंगाय नमः तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते हर हर महादेव। श्रीमद्भागवत सप्तम स्कंद अध्याय 5 श्लोक 28। गुरुपुत्र उवाच न मत् प्रणीतं न पर प्रणीतं सुतो वदत्ते सतवेन्द्र शत्रो नैसर्गिकीयं मतिरस्य राजन् नियच्छ मन्युं कदास्मना स्ममानः। श्री शुक्राचार्य महाभाग के पुत्र शंडामर्क जी ने कहा, राजन इंद्र आपके शत्रु हैं, वे भगवान विष्णु को अनुकूल करके आपके अनुज हिरण्याक्ष को मरवा चुके हैं। आप इंद्र को शत्रु मानते हैं, विष्णु को भी शत्रु मानते हैं। आपका ही लाडला प्यारा पुत्र प्रह्लाद जो कुछ आपके सामने कह चुका है न किसी के बहकाने पर नहीं, हमने इसे कभी भी साम दान दंड भेद और इन चार नीतियों के उपोद्वलक धर्म के अतिरिक्त अध्यात्म मोक्ष का उपदेश नहीं किया, विष्णु की भक्ति का उपदेश नहीं किया। ऐसा भी नहीं है कि कोई आपके घर में या आसपास या इसके सहपाठी ने इसे इस प्रकार का उपदेश किया हो। इसने जो कुछ कहा आपके सम्मुख वह मेरे या किसी अन्य के बहकाने पर नहीं, इसकी नैसर्गिकी स्वाभाविकी प्रीति विष्णु के प्रति है। इसको जो बुद्धि प्राप्त है वो निसर्ग सिद्ध है, जन्मजात है, इसमें हम क्या कर सकते हैं और आप भी क्या कर सकते हैं। नियच्छमन्युम कददास्ममानः, आप क्रोध को शांत कीजिए, व्यर्थ में हमें दोष न लगाइए। दोषारोपण हम पर करना व्यर्थ है क्योंकि हमने इसे इस प्रकार की शिक्षा नहीं दी है। नैसर्गिकी जो प्रीति प्रवृत्ति भगवान के प्रति विष्णु के प्रति इसकी है, उसे हम या आप मिटाने में समर्थ नहीं हैं। क्रोध करना व्यर्थ है। नारद उवाच, फिर युधिष्ठिर जी आदि के सम्मुख देवर्षि नारद ने कहा, गुरुणैवं प्रतिप्रोक्तो भूय आहासुरसुतं न चेद् गुरुमुखीयं ते कुतो भद्रा सती मतिः। जब शंडामर्क ने इस प्रकार का उत्तर दिया तब हिरण्यकश्यपु ने पुनः प्रह्लाद से पूछा, अरे तू बता, जब इन गुरुओं ने तुझे इस प्रकार की शिक्षा नहीं दी, इस प्रकार की मति तुम्हारी कहाँ से उदित हुई। प्रह्लाद उवाच, मैंने पहले ही कहा था कि प्रह्लाद चाहते तो गुरुओं ने जो नीति शास्त्र का उपदेश दिया था, साम दान दंड भेद, जैसे गुरुओं के पूछने पर प्रह्लाद जी बता देते थे, पिता के पूछने पर भी बता देते,
लेकिन अपनी निष्ठा को छिपा कर रखने की आवश्यकता नहीं थी। उन्हें स्वस्थ क्रांति को उद्भाषित करने की प्रेरणा साक्षात भगवान से प्राप्त थी। सामान्य जो साधक होते हैं वो ढिढोरा नहीं पीटते, वे अपनी साधना को गुप्त रखते हैं, लेकिन जो सिद्ध कोटि के भगवत भक्त होते हैं, बाह्याभ्यंतर देहेंद्री प्राणांतःकरण सहित जो स्वयं भी भगवान में पगे होते हैं, उनके जीवन उच्छलित भगवत भक्ति होती है, वो तांडव नृत्य किया करती है। तो प्रहलाद संबंध के निर्वाहक थे और निर्भय भी थे, सत्य के पक्षधर थे, सिद्धांत के निरूपक थे। दोनों का निर्वाह बहुत कठिन है। पिता को कभी अपमानित नहीं करते, उनके चरणों में आस्था पूर्वक संबंध की दृष्टि से प्रणाम करते, लेकिन सैद्धांतिक धरातल पर उनका अनुगमन करके भगवान विष्णु से शत्रुता मोल नहीं लेते, डंके की चोट से भगवान विष्णु का यशोगान करते। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि किसी ने पुदीना को चबाया है तो डकार के साथ भी पुदीना की गंध की अभिव्यक्ति होगी। ऐसे ही जिसके शरीर देह इंद्रिय प्राण अंतःकरण में भगवद रस समाया हुआ है, आप्लावित है, सराबोर है, जिसका जीवन भगवद रस से भावित है, वो अपनी निष्ठा को छिपा ले यह संभव नहीं है। प्रहराद उवाच। अब रही बात देह को सुरक्षित रखने की, दंड से सुदूर रखने की, तो प्रहलाद जी को चापलूसी पसंद नहीं। अपनी निष्ठा को डंके की चोट से व्यक्त करने का धैर्य भगवत प्रदत्त उनके जीवन में प्राप्त था, इसलिए कहाँ तक छिपा कर रखते। मतिर्न कृष्णे परतस्वतो वा, गुरु जी ने जैसा कहा था संडामर्क जी ने उसका अनुमोदन किया, इनको व्यर्था पुला ना देते हैं। मतिर्न कृष्णे, यहाँ विचित्र बात है, पहले विष्णु भगवान का नाम लेते थे, यहाँ कृष्णे शब्द का प्रयोग है, सब कृष्ण में कृष्ण शब्द का उच्चारण किया है। प्रहलाद जी पहले हुए या कृष्ण भगवान पहले हुए, अवतार की दृष्टि से तो द्वापर और कली की संधि में भगवान श्री कृष्ण का अवतार होता है, लेकिन कृष्ण ने क्यों कहा? भगवान के सभी नाम नित्य हैं और सभी अवतार भी नित्य हैं। पूर्व पूर्व कल्प में भी तो भगवान श्री कृष्ण का अवतार हो चुका, रामचरित मानस में शिव पुराण के अनुसार एक विचित्र तत्व उद्भाषित किया गया, शिव पार्वती के विवाह में गणेश जी की पूजा की गई। एक बहुत विचित्र परिस्थिति, गणेश जी का तो अभी जन्म भी नहीं हुआ तो उनकी पूजा क्यों की, और माता पिता ने बेटे की पूजा की। तुलसीदास जी ने क्या लिखा? गणेश जी की पूजा का श्रवण करके आप चौंकिए मत, आश्चर्य मत कीजिए, सुर अनादि जी जानी, भगवान अनादि हैं। भगवान के जो पांच अवतार हैं पंच देवों के रूप में, वो भी अनादि हैं। अभी व्यक्ति की दृष्टि से भले ही भविष्य में शिव पार्वती गौरी शंकर के योग से गणेश जी की उत्पत्ति होगी, लेकिन पूर्व कल्प की दृष्टि से अभिव्यक्ति में काल का प्रवेश होने पर भी, कालकृत अभिव्यक्ति होने पर भी, ये जो पंच देव हैं अनादि हैं, इसलिए कहा गया। कृष्ण, कृष्णोपनिषद में मंगलाचरण है, उसमें
कृष्ण शब्द की व्युत्पत्ति दी गई है। पृषिर भूवाचक शब्द और नश्च निर्वृतिवाचक कृष्ण कृष्ण भूसत्तायाम पृषिर भूवाचक शब्द है। भू माने सत्ता का द्योतक है। आगे जो ण है वो निर्वृत्ति आनंद का वाचक, सदानंद तत्व का नाम कृष्ण होता है। कृष्ण का अर्थ है सदानंद। उसमें जो ण है वो राधा रानी विश्वान नंदिनी नृत्य कुंजेश्वरी हैं। कृष्ण नाम में भी राधा का सन्निवेश है। कृष्ण की मूर्ति में भी, अभिव्यक्ति में भी, प्रतिमा में भी, कृष्ण रूप में भी राधा का सन्निवेश है। एकं ज्योतिरभूद्वेधा राधा माधव रूपकम ऋग्वेद का परिशिष्ट। ऋग्वेद में भी राधा शब्द का प्रयोग किया गया है। श्रीमद्भागवत में स्पष्ट रीति से कहीं भी राधा शब्द का प्रयोग नहीं है। अन्य पुराणों में है, लेकिन ऋग्वेद का परिशिष्ट, जैसे ऋग्वेद अपौरुषेय है, उसी प्रकार ऋग्वेद का परिशिष्ट भी अपौरुषेय है। ऋग्वेद के परिशिष्ट में श्री जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा सुदर्शन जी का भी नाम है। ऐसे राधा माधव का नाम है। एकं ज्योतिरभूद्वेधा राधा माधव रूपकम तस्मात् ज्योतिरभूद्वेधा राधा माधव रूपकम। एक पाठ ऋग्वेद परिशिष्ट का है, एक सम्मोहन तंत्र गोपाल सहस्र नाम का है। एकं ज्योतिरभूद्वेधा वेदांत वेद्य एक स्वप्रकाश ज्योति ने ही अचिंत्य लीला शक्ति के योग से स्वयं को राधा माधव के रूप में व्यक्त किया। तस्मात् ज्योतिरभूद्वेधा राधा माधव रूपकम। एकं ज्योतिरभूद्वेधा राधा माधव रूपकम। तो यहाँ कृष्ण कहने पर राधा रानी विश्वानंदिनी का स्वतः ग्रहण हो जाता है। वृंदावन में श्री राधा रानी की बहुत उपासना चलती है, लेकिन बिहारी जी भी केवल कृष्ण के रूप में दृष्टिगोचर हैं। राधा वल्लभ जी, राधा माधव जी, इसका मतलब राधा रानी विश्वानंदिनी नृत निकुंजेश्वरी श्री कृष्ण विग्रह में भी सन्निहित हैं। जैसे हमारा आपका शरीर है, महाभारत के अनुसार बोल रहा हूँ और मुद्गल उपनिषद के अनुसार बोल रहा हूँ, माता पिता दोनों का युग्म रूप हमारा आपका शरीर है। छह धातुओं में जो आरंभ की तीन धातुएं हैं वो माता की ओर से हमको प्राप्त हैं। उसके बाद जो तीन धातुएं हैं वो पिता की ओर से प्राप्त हैं। हमारा आपका शरीर स्त्री पुरुष दोनों शरीरों में छह धातुओं का सन्निवेश होता है। इसीलिए स्थूल शरीर का एक नाम है अन्नमय कोष, दूसरा नाम क्या है साठ कौशिक। साठ कौशिक स्थूल शरीर को कहते हैं उपनिषदों में और महाभारत आदि में। साठ कौशिक छः कोषों वाला, छः कोष कौन है छः धातु। स्त्री पुरुष शरीर में जो आरंभ की तीन धातुएं हैं तो माता की प्रधानता से तीन जो धातुएं बाद की हैं वो पिता की प्रधानता से। शरीर भी युग्म है, युग्म तत्व है। राधा माधव युग्म है, एक के नाम में दूसरे का नाम, एक के रूप में दूसरे का रूप सन्निहित है। दृष्टिगोचर श्री कृष्ण विग्रह का हो, लेकिन उसमें स्वाभाविक रूप से राधा माधव का राधा का भी सन्निवेश है। क्योंकि कोई भी अभिव्यक्ति होगी तो शक्ति और शक्तिमान दोनों के योग से होगी। मृद घट है, मिट्टी से निर्मित घट है, तो मिट्टी में मृन्निष्ठ स्निग्धता नाम की शक्ति ना हो तो मिट्टी घट का रूप कैसे धारण करे। तो घट कुल्लर सकोरे आदि जो हैं वे युग्म रूप हैं। मिट्टी और स्निग्धता नामक शक्ति, घटोत्पादनी आदि शक्ति दोनों के योग से
घटादि की निष्पत्ति होती है। ऐसे ही भगवद गीता 14वां अध्याय क्या है, मम यो निर्महद ब्रह्म तस्मिन् गर्भम दधाम्यहम्। इसी प्रकार 8वें 9वें अध्याय का अध्ययन कीजिए, मयाध्यक्षेण प्रकृति श्रूयते सचराचरम हेतुना न कौन्तेय जगत विपरिवर्तते। कोई भी अभिव्यक्ति होगी, उत्पत्ति होगी, तो शक्ति और शक्तिमान दोनों के योग से युग्म तत्व, इसी का नाम है युग्म तत्व। शक्ति में शक्तिमान, शक्तिमान में शक्ति, शक्ति का सन्निवेश होता है। इसीलिए कृष्ण का मतिर्न कृष्णे परतस्वतो वा, पिताजी इन गुरुओं ने ठीक कहा, स्वतः परतः, न तो स्वतः न परतः, नान्य से प्रणित संसार के हाँ ये मिथोभिपद्येत गृहव्रतानाम्। अदांत गोभिर्विशताम तमिश्रम पुनः पुनः चर्वित चर्वणानाम्। न ते विदुस्वार्थगतिम हि विष्णु दुराशया ये बहिरर्थमानिनः अंधा यथान्धैरुपनीयमाना वाचि सतन्त्यामुरुदां निबद्धा नैषां मतिस्तावदुरुक्रमङ्घ्रिं स्पृशत्यनर्थापगमो यदर्थ महीयसां पादरजोऽभिषेकं निष्किञ्चनानां न विणीत यावत्। स्पष्टवादिता शील और स्पष्टवादिता दोनों की रक्षा। ये जो संसार के लोग हैं, पृष्ठ पेषण न्याय को चरितार्थ करते हैं, पिसे हुए को ही पीसते हैं, चबाए हुए को ही चबा रहे हैं। कारण क्या है, अनादिकाल से माता पिता के द्वारा, भाई बंधुओं के द्वारा जीवत्व का पोषण ही तो प्राप्त है। अविद्या काम कर्म में दक्षता प्राप्त करने का प्रशिक्षण ही तो प्राप्त है। प्रशिक्षित को ही बार बार प्रशिक्षित करने का स्वभाव है। जब कोई बाल गोपाल घर में प्रकट होता है, उत्पन्न होता है, माना कि अभिव्यंग की अभिव्यक्ति अभिव्यंजक के अधीन होती है, अभिव्यंजक के तारतम्य से अभिव्यंग की अभिव्यक्ति में तारतम्य होता है, फिर भी शरीर के दृष्टि से जो जो अवस्था बढ़ती है त्यों त्यों अमनस्कता दूर होती है, इंद्रिय अंतःकरण ये सब स्फुट रूप से काम करने लगते हैं। फिर भी इसका अर्थ ये नहीं है कि जो जन्म लेता है लाला के रूप में या लाली के रूप में, उसे जीवत्व के नए प्रशिक्षण की आवश्यकता हो। जो माता पिता हैं वो नहीं समझते कई बार यह लाला या लाली मेरे माता पिता भी रहे होंगे, ये लाला मेरा पिता भी रहा होगा, ये नहीं समझ पाते। बात क्या है कि आस्था का केंद्र तो शरीर को मानकर ही व्यवहार करते हैं लोग। ग्रंथ पढ़ते समय, प्रवचन सुनते समय, श्राद्ध तर्पण के समय देह के नाश से जीवात्मा का नाश नहीं होता, या बुद्धि थोड़ी देर के लिए प्रकट हो जाती है, लेकिन 99% से भी अधिक व्यवहार तो आस्तिक कहे जाने वाले व्यक्तियों का भी देहात्म बुद्धि से भावित ही होता है। विचित्र बात है, चबाए हुए को चबाना और पिसे हुए को पीसना। बार बार जिन विषयों का जन्म जन्मांतरों में सेवन किया, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं,
शब्द स्पर्श रूप रस गंध और इनके अभिव्यंजक संस्थान का सेवन करते रहे, फिर शब्द स्पर्श रूप रस गंध का विसर्जन भी करते रहे। इसका मतलब कोई नया प्रशिक्षण नहीं है। अभी तो दुधबुआ है, इसने संसार देखा ही कहाँ है। लो व्यामोह है या नहीं, दुधबुआ है या तुमको भी दूध पिला चुका है। गाय का दूध सही, अपना दूध सही। दुधमुहा कहने वाले दुधमुहा हैं या नहीं? दुधमुहा वो है जिसे दूध पिला रही हो या दूध पिला रहे हो। दुधमुहा तो तुम हो जो पता ही नहीं है कि लाखों बार दूध पी चुका है और पिला भी चुका है। इसीलिए अरबों कल्पों से प्रशिक्षण प्राप्त है, उसी प्रशिक्षण को और भी सुदृढ़ करने का प्रयास माता पिता और समाज के व्यक्ति करते रहते हैं। मिथो विपद्येत गृहव्रतानां, गृहव्रत वाह नाम बढ़िया लिया। सत्यव्रत भागवत में किसका नाम है? भगवान का। यहाँ पर बढ़िया नाम है गृहव्रत कौन। गृहव्रत बढ़िया, गृहव्रत बस कमर कस के व्रतशील होकर प्रतिज्ञा पूर्वक घर में ही जो रचे पचे रहते हैं। गृहस्थ का अर्थ क्या हुआ? गृह माने फिर शरीर हुआ या मकान हुआ? जब गृहस्थ कहेंगे तो गृह का अर्थ क्या हुआ? शरीर ना, वर्ण आश्रम शरीर के नाम है या झोपड़ी के भवन के? गृह, इस गृह को रखने के लिए गृह बनाया, उसका भी नाम गृह हो गया। गृहव्रत है, सत्यव्रत नहीं है, गृहव्रत है। देवव्रत भीष्म जी के बचपन का नाम क्या था? देवव्रत। और ये लोग कौन है? गृहव्रत, बढ़िया नाम दिया नार प्रहलाद ने कहा। गृहव्रता नाम, घर गृहस्थ गृहस्थी में जो रमे रहते हैं, रचे पचे रहते हैं, वे गृहासक्त जो हैं उनका नाम गृहव्रत हो गया। बढ़िया, देवव्रत नहीं, गृहव्रत है, बढ़िया नाम दिया। किसी के प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं। गीता के छठे अध्याय के अनुसार भोगाभ्रष्टों की संख्या अधिक होगी या योगाभ्रष्टों की? भोगाभ्रष्ट, भोग भोगते हुए फिर भी तृप्ति ना होने के कारण जो मर गए, वो फिर जन्म लेते हैं क्या हो करके? भोगाभ्रष्ट। अयोग मार्ग पर चलते चलते उसी शरीर से मोक्ष नहीं प्राप्त कर सके, वो जब फिर जन्म लेते हैं तो उनका नाम है योगाभ्रष्ट। योगाभ्रष्ट तो अरबों में कोई होता है, लभते पौर्व देहिकम, लभते पौर्व दैहिकम। भोगाभ्रष्टों का ही तो संसार है, भ्रष्ट क्यों कहा? योगाभ्रष्ट यूँ कहा कि कोई प्रतिबंध ना भी हो, किसी में राग ना भी हो गया हो, लेकिन प्रारब्ध के वशीभूत होकर पूर्व जन्म में ही जो सिद्ध नहीं हो सके, भगवत प्राप्ति के मार्ग पर चलते हुए भी प्रारब्ध का भोग हो चुका, तो शरीरपात हो गया, देहपात हो गया, तो वो भोगाभ्रष्ट ना होकर योगाभ्रष्ट हो गए। लेकिन बाकी तो सब भोगाभ्रष्ट ही होते हैं। और भोगाशक्ति अगर आ गई योग पर चलते चलते, तो वो भी भोगाभ्रष्ट होकर कुछ समय के लिए जन्म लेते हैं। बहे बहाये जात थे लोक वेद के साथ, प्रणिया में सदगुण मिलियो दीपक दिनों हाथ। लौकिक वैदिक कृतियों में बहते बहते 50-60 साल हो जाते हैं, तब कहीं चेतते हैं। एक सज्जन आए, कोई ब्राह्मण लगते थे, बड़े शीलवान हृष्टपुष्ट, 70 साल तो 65-70 साल की अवस्था रही होगी।
उन्होंने कहा महाराज मैंने सुना है कि आप श्रावण भाद्र महीने में पढ़ाते हैं। हमने कहा बिल्कुल ठीक सुना है, मन तो मेरा भी करता है कि पाठ में सम्मिलित हूँ। हम चुप रहे, आगे क्या कहेंगे सुनने के लिए, घर की जिम्मेवारी बहुत। वो चले गए, स्वामी जी यहाँ बैठे होंगे। हमने पूछा कि कम से कम इनकी आयु कितनी होगी अनुमान से जो गए सज्जन। न मैंने नाम पूछा न कहाँ से आए हो, लगा कि ब्राह्मण है कुलीन। 65 से कम क्या होगी। 65 साल वाला व्यक्ति कहता है मन तो करता है कि पढ़ने आऊँ, जिम्मेवारी बहुत। दासबोध में बहुत बढ़िया लिखा है, प्रारब्ध ये नहीं देखता, यमराज नहीं देखते हैं कल शादी होनी है या कल शादी हुई है या इस समय शादी हो रही है, इसने कौन सा काम पूरा किया कौन सा अधूरा, ये सब नहीं। जिस क्षण ले जाना है यमदूतों को, क्षण यमदूत ले ही जाएंगे। तो गृह व्रत हो गए, देव व्रत नहीं, गृह व्रत। गृह व्रत का अर्थ क्या हुआ, घर में, गृहस्थ में, शरीर में, जीवन में, संसार में समासक्त होकर ही जन्म लिए, फिर भी जिसका प्रशिक्षण बहुत प्राप्त है उसी का प्रशिक्षण, जैसे ये ना एकदम क्या हुआ, निद्रा व्रत हो गए, अनिंद्र नहीं, अनिद्र नहीं। क्या मतलब हुआ, शास्त्र सुचिंतित पुनपुनि चिंती है, एक पंथ ही है, शास्त्र सुचिंतित पुनपुनि चिंती है। ऐसा नहीं समझना चाहिए कि हम निपुण हो गए, बार बार चिंतन करें, बार बार चिंतन करें। इधर क्या है, संसार सुचिंतित है फिर भी बार बार चिंतन छोड़ते नहीं। ये वो दोनों का स्वरूप हुआ है। उधर शास्त्र सुचिंतित धर्म और ब्रह्म जो शास्त्र के तात्पर्य हैं, बार बार उनका चिंतन करना चाहिए। इधर क्या है, संसार सुचिंतित पूर्ण चिंतित है, संसार का प्रशिक्षण अरबों कल्पों से प्राप्त है अनादिकाल से, फिर भी उसी का प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं, लगता है कोई हम प्रशिक्षित ही नहीं। बहुत बढ़िया बात है, जब बच्चा जन्म लेता है, मनुष्य पशु की बात है, तो दूध पीने की कला उसको किसने शिक्षा दी है, दूध पीने लगता है या नहीं, तो ये प्रशिक्षण कहाँ से मिला, अभी मिला है क्या। माँ के पयोधर को मुँह में लेकर चूसने लगता है, क्या यहाँ प्रशिक्षण दिया अभी, वो तो अभी सुन भी नहीं सकता ठीक से, बोल भी नहीं सकता, भाषा तो समझता ही नहीं है, सबकी मातृभाषा रुदन है। हमारे पूर्वाचार्य महाराज कहते थे माँ के गर्भ से रोता हुआ ही जन्म लेता है, सबकी मातृभाषा रुदन ही है। लेकिन वो दूध पीने में दक्ष है, पूर्व जन्म की स्मृति मानी जाएगी या नहीं, माने वो कला जो है पूर्व जन्म की देन है या नहीं, पूर्व जन्मों में जो माँ का दूध पिया है इसलिए फिर वो जन्म लेते ही वो कला तो शिक्षा नहीं दी गई, प्रशिक्षित ही। जैसे दूध पीने की कला बिना प्रशिक्षण के ही प्राप्त है पूर्व प्रशिक्षण के बल पर, वैसे ही संसार में प्रीति प्रवृत्ति की कला पूर्व प्रशिक्षण के बल पर ही उदित है, फिर भी संसारी व्यक्ति पिंड नहीं छोड़ते, नया प्रशिक्षण और देते, नया प्रशिक्षण और देते। अदंत गोभीर विशताम तमिश्रम पुनः पुनश्चर्वित चर्वणानम। जिस विषय में अत्यंत प्रशिक्षित हैं, दक्ष हैं, कुशल हैं संसारी व्यक्ति, सगे संबंधी उसी का प्रशिक्षण देते हैं, श्री कृष्ण में, भगवान में प्रीति प्रवृत्ति का प्रशिक्षण नहीं देते, भगवत तत्व की ओर उन्मुख नहीं करते व्यक्ति के जीवन को। बढ़िया, शुद्धोसी बुद्धोस निरंजनोसी संसार माया परिवर्जितोसी मदालसा रानी,
मार्कंडेय पुराण में यह श्लोक नहीं मिला, कहीं और जगह का है, लेकिन बहुत बढ़िया अपने बेटे को शिक्षा देते, दूध पिलाते पिलाते, पलने पर खिलाते खिलाते जीवन मुक्त बना देती। ऐसी माता तो मिलना ही कठिन है आजकल। यही कहा, वो स्वाभाविक रूप से भगवान की ओर व्यक्ति उन्मुख नहीं होता, क्यों? सौभाग्यशाली ही ऐसा है जिसने पूर्व जन्मों में श्री कृष्ण चरणों का आश्रय लिया हो, उसी की इस जीवन में प्रवृत्ति होती है, अन्यथा नहीं। बहु नाम जन्मना मन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते नते विदुस्वार्थ गतिम हि विष्णु। पहले कृष्ण अब विष्णु। दुराशया ये बहिरर्थ मानिनः अंधा यथान्धैरुपनीयमाना वाचि शतन्त्या मुरुदां निबद्धा। इंद्रियों से अनुभूत जो विषय हैं उन्हीं को परम वर्णीय कवनीय भजनीय सेव्य समझकर अज्ञता के कारण जैसे अंधों का नायक अंधे हुए हो बस गड्ढे में गिरते हैं, संसार में गोता लगाते रहते हैं, भवगर्त में बार बार गिरते रहते हैं। साथ ही साथ कह दिया वाची सतन्य तंत्या मुरुदाम निबद्धा। वेदादि शास्त्रों का रहस्य न जानने के कारण वेदवाणी रूप रस्सी के फंदे में फंसकर बस हमारे कमनीय वर्णीय भजनीय भगवान विष्णु ही हैं, उनकी प्राप्ति से ही जीवन की सार्थकता संभव है, इधर ध्यान ही नहीं जाता। त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन। वेद का नाम क्या लिया? न निंदा निंद्यम निंदितुम प्रवर्तते अपितु विधेयम स्तोतुम। मानो वेद भी अर्थात अधिकांश वेद भाग भी क्या करते हैं? संसार का ही लोक का ही परलोक का ही प्रशिक्षण देते हैं। वेदवाणी रूप रस्सी में उनके द्वारा प्रतिपादित काम्य कर्मों में रचे पचे रहने के कारण वेद के नाम पर भी बहिर्मुखता ही पाल लेते हैं। वेदों में परिसंख्या विधि है। परिसंख्या विधि मतलब प्रवृत्ति की ओर को निवृत्ति की ओर उन्मुख करने के लिए जो प्रवृत्ति का समर्थन होता है उसका नाम है परिसंख्या विधि। मनुस्मृति में क्या लिखा गया? निवृत्तिस्तु महाफला। तो वेदों का अभिप्राय समझना कठिन है। 80% कर्मकांड परक, 16% उपासना कांड परक, 4% ज्ञान कांड परक वचन हैं वेदों में। तो मानो वेद भी 96% वेद भी लोक परलोक का ही प्रशिक्षण देते हों। अभिप्राय क्या है? अभिप्राय यह है कि माता पिता बच्चों का थोड़ी देर अनुगमन करके फिर उसको अनुगामी बनाते हैं। क्या बच्चों का अनुगमन करके ही उनको अनुगामी बनाया जा सकता है? नहीं तो बच्चे कभी अनुगामी बन ही नहीं सकते। ऐसे ही बच्चों का अनुगमन करके फिर माता पिता धीरे धीरे बच्चों को पोट फुसलाकर अनुगामी बनाते हैं। ऐसे ही आपातः परिलक्षित होता है कि वेद भी भवफंद में ही
भवजाल में ही जीवों को उलझा देते हैं, मनुष्य को उलझा देते हैं। वस्तु स्थिति क्या है? सर्वथा प्रवृत्ति का निरोध नहीं हो सकता, तो प्रवृत्ति की शिक्षा इस ढंग से वेद देते हैं कि प्रवृत्ति के गर्भ से निवृत्ति निकल आवे। गीता का दूसरा अध्याय भी इसी तथ्य को उद्भाषित करता है। कर्म का पर्यवसान अकर्म में हो जाए। एक विचित्र बात है, हेलीकॉप्टर भारत का, नेपाल इत्यादि का, पहले उसके जो कप्तान होते हैं, पायलट होते हैं, पृथ्वी पर कुछ देर अपने यान को, वायुयान को चलाते हैं। यद्यपि नभो मार्ग से यात्रा का उद्देश्य है, लेकिन पृथ्वी पर क्यों चलाते हैं? क्योंकि पृथ्वी को छोड़ने के अनुकूल बल और वेग प्राप्त हो यान को। इसी प्रकार प्रवृत्ति का समर्थन जो वेद करते हैं, प्रवृत्ति के गर्भ से निवृत्ति प्राप्त करने योग्य बल और वेग अर्जित करने के लिए, आरुरुक्षो और मुनेर योगम कर्म कारण मुच्यते, योगारूढ़स्य तस्यैव शमक कारण मुच्यते। गीता का छठा अध्याय तीसरा चौथा श्लोक। आरुरुक्षु, वहाँ कर्म में रति उत्पन्न करना नहीं है, कर्म का आलंबन लेकर उस विधा से कर्म का आलंबन लो कि कर्म का पर्यवसान योगारूढ़ता में, शम में हो जाए। कर्म संन्यास के उपयुक्त बल और वेग अर्जित करने के लिए कर्म का आलंबन लेना, और कर्म का आलंबन लेना भवबंध को परिपुष्ट करने के लिए, कर्म का और बल और वेग भरने के लिए, तो दोनों प्रकार के कर्म बाहर से कर्म पर लक्षित होते हैं। आरुक्षोर मुनेर योगम कर्म कारण मुच्यते, योगारूढ़स्य तस्यैव शमः कारण मुच्यते, कर्मण एवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, मा कर्म फल भेतुर्भु, मा ते संगोस्त्व कर्मणि, मा ते संघ अस्तु अकर्मणि। कर्तव्य कर्म का अधिकार जिसो प्राप्त है, कर्माधिकारी जो है, वो कर्म का अनारंभ रूप जो अतात्विक अकर्म है उसमें उसकी प्रीति न हो। माते संगः अस्तु अकर्मणि। अकर्म का स्वरूप तो बहुत बढ़िया है, गीता के चौथे अध्याय में यहाँ माते संगोस्तु अकर्मणि, अकर्म में तेरी प्रवृत्ति ना हो, इसका अर्थ अकर्म के कितने भेद हो गए। कर्म का अनारंभ भी अकर्म है और कर्म करते हुए भी कर्तृत्व बुद्धि न रहना अकर्म है, और कर्म न करते हुए कर्तृत्व बुद्धि रहना भी कर्म है, और कर्म न करते हुए कर्तृत्व बुद्धि न रहना भी अकर्म है। बाह्याभ्यंतर अकर्म, बाहर भी कर्म, शारीरम केवलम कर्म कुर्वन आपनोति किल विषम, गीता का चौथा अध्याय। बाहर से अकर्म, अंदर भी अकर्म, परमहंस हो गए, अवधूत हो गए। बाह्याभ्यंतर अकर्म, अंदर कर्तृत्व भोक्तृत्व बुद्धि नहीं, बाहर भी कर्म संन्यास है, बाह्याभ्यंतर संन्यास, कर्म संन्यास। एक अभ्यंतर या अभ्यंतर अन लगा देने से अभ्यंतर हो जाता है, हम प्रायः अभ्यंतर शब्द का प्रयोग अधिक करते हैं, वो भी शुद्ध है, अब अभ्यंतर का भी प्रयोग करने लगे हैं। अन लगा देने से अभ्यंतर का जो अर्थ है वही अभ्यंतर का भी हो जाता है। तो हमने संकेत किया कि बाहर कर्म, अंदर अकर्म, कर्तृत्व भोक्तृत्व बुद्धि विहीनता की दशा में जो कर्म होते हैं वे सब दृष्ट फलक ही होते हैं, उनके गर्भ से कोई नरक स्वर्ग इत्यादि की प्राप्ति नहीं होती। बाह्य कर्म, अभ्यंतर अकर्म, बाह्याभ्यंतर अकर्म, बाह्याभ्यंतर कर्म, ऐसा। अब
बाह्य कर्म, अभ्यंतर अकर्म, बाह्याभ्यंतर अकर्म, बाह्याभ्यंतर कर्म, काम नहीं किया, कर्म छोड़ दिया, लेकिन कर्तृत्व बुद्धि है तो उसका नाम भी हो गया कर्म। कर्तृत्व बुद्धि पर्यंत कर्म है, बाहर से आप कर्म करते हुए दिखाई पड़ो या ना दिखाई पड़ो। इसीलिए कहा नते विदुस्वार्थ गति में विष्णु दुराशया ये बहिर्थ मानिनः अंधा यथा अंधैरुपनीयमाना वाची सतंत्या मुरुदाम निबद्ध। यहाँ वेदों की निंदा में तात्पर्य नहीं है, वेद भी जैसे बालक का अनुगमन करके बालक को अनुगामी बनाया जाता है, इसीलिए इसी प्रकार से वेद भी प्रवृत्ति का अनुगमन करके व्यक्ति को निवृत्ति की ओर ले जाते हैं। व्यक्ति के जीवन में जो प्रवृत्ति के प्रति प्रीति है, मानो उसका समर्थन करते करते परिसंख्या विधि से निवृत्ति की ओर ले जाते हैं। परिसंख्या विधि का मैंने दो चार बार नाम लिया। एक व्यक्ति शराब पीते थे, खत्री कुल के हमारे गुरु भाई थे कोई, उनके पुत्र स्वामी नंद नंदनानंद सरस्वती जी, नंद नंदनानंद में सात नकार है। नंदलाल शास्त्री जी का संन्यास का नाम हुआ नंद नंदनानंद, हमारे पूर्वाचार्य महाराज ने नाम रखा, संन्यास हमारे पूज्य गुरुदेव से हुआ। नंद नंदनानंद सरस्वती जी को कहा सेठ जी ने पंजाब के कि हमारे बेटे को समझाइए, देखिए शराब पीना जी छोड़ता। अब वो वकील थे पहले, कौन नंद नंदनानंद सरस्वती जी, बहुत योग्य थे, LLB थे, IAS थे पूर्व से, पहले LLB भी थे और IAS भी थे, MA भी थे और साहित्य या व्याकरण से शास्त्री भी थे, बहुत योग्य थे। तब वो वकील तो फिर पीछे पड़ जाता है। वकालत उन्होंने नहीं की, डिग्री नौकरी उन्होंने कभी नहीं की, लेकिन डिग्री बहुत थी। उन्होंने प्रतिज्ञा करवा ली एकांत में कि शराब नहीं पीऊँगा, उसने प्रतिज्ञा कर दी। और जब शराब पीने का समय आया रात में तो उसकी बहुत बुरी स्थिति हो गई। एक और सन्यासी के सम्मुख प्रतिज्ञा कर चुका हूँ, दूसरी ओर शराब पिए बिना रहा नहीं जा रहा, विष खा के मर गया लो। तो अब यह है कि किसी किसी का मनोबल ऐसा होता है एक झटके में बुरी आदत छोड़ दे, एक झटके में। एक थे पूज्य स्वामी अखंडानंद महाराज के शिष्य हुए सन्यासी, बाद में डूबे, देखा होगा बाल वाले डूबे, काशी क्षेत्र के थे वो, चिरंजीव के साथ एक बाल्टी शराब जैसी चट कर जाते थे आपस में मिलकर। शराब पीने वाले ब्राह्मणों की पार्टी थी, लेकिन इतनी विरक्ति हुई कि एक झटके में सदा के लिए शराब छोड़ दिया। और जब वो वृंदावन से मुगल सराय ट्रेन से जाते थे, उसके पास चंदौसी क्षेत्र में उनका था सर घर, तो लघुशंका भी नहीं जाते थे ट्रेन, इतना हमने देखा, हमको बहुत बांधते थे। एकांत पे हमसे कहा उन्होंने, महाराज कभी वो दिन थे आज ये दिन है। किसी किसी का मनोबल इतना प्रबल होता है एक झटके में। हमारे कोई परिचित थे, जब उनको पता चला कि मैं सन्यासी नहीं शंकराचार्य पद पर प्रतिष्ठित किया गया हूँ, तो उन्होंने सोचा अरे मैं चैन स्मोकर
और मेरा परिचित व्यक्ति शंकराचार्य के पद पर जो चैन स्मोकर थे वो सिगरेट पीने वाले, वो एक क्षण में प्रतिज्ञा की और फिर कभी सिगरेट की ओर देखा भी नहीं। ऐसा मनोबल किसी किसी में होता है, पर संख्या विधि क्या है, 25 सिगरेट रोज पीते हो तो भाई 20 पी लिया करो, पीना कहते हैं सिगरेट पीना, धुएँ कप्पा है, हाँ खाना वही पीना खाओ, फिर जलख्या में जलखई वहाँ भी तो खाना ही है, जलख्या माने क्या है, जल को खाना और सिगरेट को पीना, बढ़िया है जो अपनी अपनी भाषा है, क्या जल को खाओ और सिगरेट को पियो, धूम्रपान भी कहते हैं या नहीं, धुएँ का पान हुआ या नहीं, हाँ धुएँ को पियो और जल को खाओ, जलख्या जलखई मैथिली में भी बोलते हैं खाना, जलखई माने क्या, जल को खाना, तो मैथिली भाषा बंगाली भाषा उड़िया भाषा में खाने ही बोलते हैं, जलखई जलखई जलख्या जलखई का अर्थ क्या हुआ, जल को खाना माने हल्का फुल्का आहार लेना, जलखई जलपान, हाँ ये भी बहुत बढ़िया है, जलपान माने जल का अर्थ क्या हो गया वहाँ पर, हल्का फुल्का आहार, वो जल वहाँ पर लक्षणा हो गई। इसीलिए कहा परिसंख्या विधि, तो वेदों में प्रवृत्ति का जो समर्थन है, जैसे बच्चे की एकाएक क्रीड़ा से खेल से मुक्त नहीं कर सकते तो माता पिता क्या करते हैं, बच्चे के साथ वह भी खेलने लगते हैं। माता पिता तोतली वाणी में नहीं बोलते लेकिन बच्चे को प्रसन्न करने के लिए उनका अनुकरण करने के लिए तोतली वाणी में वो भी बोलते हैं। माता में क्षमता होती है कि बच्चे की तोतली वाणी को समझ ले, लेकिन हमेशा बच्चा तोतली वाणी में बोलता रहे तुतलाता रहे ये नहीं अभिष्ट, तोतली वाणी की अनुकृति करके तोतली वाणी उसके दूर हो जाए अवस्था क्रम से जल्दी। तो इसी प्रकार से वेद वाणी भी मानो पिसे हुए का प्रशिक्षण देती है, इसका अभिप्राय यद्यपि वेदों का तात्पर्य निवृत्ति में है लेकिन बहुत दूर तक वेदवाणी भी प्रवृत्ति का पोषण करती है, लेकिन उसमें कुछ ऐसी चीज, जैसे वैद्य लोग होते हैं, कोई व्यक्ति जो उसके स्वास्थ्य के लिए खराब भोजन है वो पाए बिना नहीं रह सकता तो वैद्य क्या करते हैं, उत्तम ऐसे मसाला आदि का उसमें उपयोग करवा देते हैं कि वो चटौरा उस चीज़ को पाए भी और मसाले आदि के योग से वो चटोरे को वो चीज़ हानि न करे। तो वेद भी क्या करते हैं वैद्य के समान, अर्थात प्रवृत्ति तो व्यक्ति नहीं छोड़ सकता है सहसा, तो प्रवृत्ति में निवृत्ति के बिंदु डाल देते हैं, प्रवृत्ति में ही कर्माशक्ति फलाशक्ति अहंकृति को शिथिल कर उत्साह पूर्वक भगवदर्थ कर्मानुष्ठान, भगवद गीता में मुक्त संगो नहम वादी जितने निष्काम परक वचन हैं, गुरु गोविंद और ग्रंथ की कृपा सब ने एक पंक्ति में उसको गुम्फित किया, कभी कर्माशक्ति फलाशक्ति अहंकृति को शिथिल कर उत्साह पूर्वक भगवदर्थ स्वकर्मानुष्ठान, यह है कर्म में ही ऐसे क्या करते हैं, कर्म में ही ऐसे बिंदु डाल देते हैं, भाव डाल देते हैं कर्ता हृदय में कि वो कर्म जो है मारक ना होके तारक बन जाए। निषिद्ध कर्म भी कर्म है, विहित कर्म भी कर्म है, निष्काम कर्म भी कर्म है, प्रायश्चित कर्म भी कर्म है, लो जी अपर धर्म भी तो धर्म है, स्वधर्म भी धर्म है, एक धर्म मारक है एक धर्म तारक है, धर्म भी मारक होता है, होता है स्वधर्मे निधनम श्रेय पर धर्म भयावह, स्व पर लग गया विशेषण तो पर धर्म जो हो गया हमारे लिए धर्म हो गया या नहीं, धर्म भी मारक होता है। अब सीधे बोल दे व्यक्ति शंकराचार्य करे तो धर्म मारक होता है, क्या क्या बोले, उस समय तो नशे में होंगे, नशा में तो मैं होता ही हूँ, भांग वांग के नशा नहीं
पर धर्म भयावह है या नहीं, स्वपर के योग से क्या पर धर्म भी अधर्म हो गया या नहीं, तो धर्म भी अधर्म हो जाता है, अधर्म भी धर्म हो जाता है। क्षत्रियों के लिए जो धर्म है औरों के लिए वह अधर्म हो गया, इसलिए धर्माधर्म का विवेक भी स्व की सीमा में धर्माधर्म का निर्धारण होता है। तो यहाँ पर कहा गया शास्त्र क्या करते हैं, शास्त्र के मनीषी प्रवृत्ति में कुछ ऐसे बिंदु डाल देते हैं जिसके बल पर प्रवृत्ति निवृत्ति में जाकर परिणत हो जाए। इस अभिप्राय को जो नहीं जानते वो कहते हैं वेद भी आखिर क्या करते हैं, फंदे में डालते हैं। यहाँ पर नहीं निंदा निंद्यम निंदितुम प्रवर्तते अपितु विधेयम स्तोतम की दृष्टि, स्तोतम की दृष्टि से है वेदवाणी की निंदा। प्रायिक वचन वाची सतंत्या मुरुदाम निबद्ध, नैषा मतिस्तावदुक्रमाङ्घ्रिं स्पृशत्यनर्थापगमो यदर्थः, महीयसां पादरजोऽभिषेकं निष्किञ्चनानां न वृणीत यावत्। बहुत बढ़िया प्रहलाद जी बोल रहे, पिताजी जिनकी बुद्धि भगवान के श्री चरणों में चरण कमलों में रम जाती है, उस भगवान के श्री चमल चरण कमल का स्पर्श कर लेती है, उनके जन्म मृत्यु इत्यादि जो अनर्थ हैं उनका पूर्ण निवारण हो जाता है। लेकिन बहुत बढ़िया मही असाम पाद रजो अभिषेकम निष्किंचना नाम नवणी तयावत। जो लोग अकिंचन निष्किंचन भगवान के जो भक्त होते हैं, अकिंचन माने कहीं भी अहमता ममता ना हो, हृदय से किसी एक तिल को भी अपना ना मानते हो, अकिंचन किसी पर अपना स्वामित्व ना मानते हो, अहमता ममता से रहित हो, वो अकिंचन निष्किंचन बाह्याभ्यंतर त्यागमय जीवन जिनका है, ऐसे जो रजोभिषेक बढ़िया पाद रजोभिषेकम निष्किंचन सत्पुरुषों के पाद रज चरणों की धूल में स्नान नहीं करते, उससे अभिषेक नहीं करते, उनकी बुद्धि काम्य कर्मों में रमी रहती है। भले ही निषिद्ध कर्म न करें लेकिन काम्य कर्मों से उबर पाना उनके लिए कठिन होता है। भगवत चरणों का स्पर्श नहीं कर पाते क्योंकि भव का स्पर्श करने के लिए ही वैदिक कर्मों का भी आलंबन लेते हैं। श्री राम जय जय राम, धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गोमाता की गोहत्या भारत सर्वभूत हृदय धर्म सम्राट श्री स्वामी कर्पात्री जी महाराज की, श्री जगन्नाथ महाप्रभु की, श्री बलभद्र महाप्रभु की, भगवती सुभद्रा देवी की, हर हर।